हिस्टोरिकल मोमेंट है आई थिंक टीवी इंडस्ट्री के लिए पूरी, और हम लोग जो जुड़े हैं स्टार्टिंग से डीकेपी के साथ उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। तो हम लोग बहुत खुश हैं और आज सेलिब्रेट करेंगे इसको। बहुत बहुत सारी मेमोरीज हैं जो आपके अंदर शेयर करने वाला मैं अपने जो एक्टर्स हैं मेरे एंड टेक्नीशियन जो हैं उन सब के साथ, तो बहुत सारी मेमोरीज हैं और लेट्स सी कितना एंजॉय करते हैं हम लोग। ये आई थिंक यही नहीं पता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इससे इतना प्यार बंधा हुआ है सबका, यही सस्पेंस, अगर ये सस्पेंस खुल गया तो शायद शो खतरे में ना आ जाए। 10 ही साल तो हुए हैं और बहुत साल जाना है आगे, ये कहना चाहूँगी। आपको इस शो में मैं आई थी जेठानी बन के और आज मैं इस शो में परदादी बन गई हूँ और इतने लोगों के साथ काम किया है, इतने नए नए लोग आए हैं, पर कभी इस सेट पर किसी में अनबन नहीं हुई, यही मुझे बहुत भारी लगता है। मुझे लगता है यही वजह है कि रिश्ता 10 साल आराम से चल रहा है हमारा, सेट पे एक दूसरे के साथ भी रिश्ता बहुत बढ़िया रहता है, सच कहती हूँ। ठीक है, वैल्यू है इस शो में, इसलिए मैं खुद को बहुत नसीबवान समझती हूँ कि ऐसे शो में मैं आ गई कि जहाँ पे वैल्यूज़ का बड़ा महत्व है। और इस शो में 10 साल मैं काम कर रही हूँ, पहले महीने से काम कर रही हूँ, मुझे लगता है जीवन में वैल्यू की वैल्यू मुझे भी समझ में आई शो में काम करते करते। मेरे अपने निजी जीवन जिंदगी के रिश्ते भी बदल गए, मतलब अच्छी तरह से बदल गए, ऐसे हो गया। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बोथ आर वेरी टैलेंटेड। अभी जो ट्रैक चल रहा है ये आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2.5-3 साल ये बच्चे हमारे शो में हैं, पर उनमें कितना बदलाव आ गया है, ऐसा लगता नहीं कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं। जो अभी ट्रैक चल रहा है कि बच्चे का अदला बदल हो रहा है, उनको माँ बाप के हैसियत से जो दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, वो उन्होंने इतने अच्छे से दिखाई है मोहसिन और शिवांगी ने कि मैं कह नहीं सकती, दे आर वेरी गुड एक्टर्स। एक्चुअली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस चला ही जा रहा है तो बस ऐसे चलता रहे, आप लोग ऐसी दुआ कीजिए कि ये लाइफ टाइम चलता रहे और हम लोग ऐसे ही इंटरव्यूज देते रहे। इसका तो ये प्लान है कि ये खूब डांस करने वाली है आज, दिल खोल के पूरे साल भर जो जितना काम किया है ना तो उतना डांस करने वाली है। सच्चे दिल से काम करने वाली हर चीज़ का नतीजा मुझे लगता है ऐसा ही होता है। सो आई फील एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ अ शो विच इज़ रनिंग फॉर 10 ईयर्स, तो माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ फॉर 6 ईयर्स नाउ, बट इट्स अ बिग थिंग एंड आई थिंक द शो इज़ रनिंग फॉर 10 ईयर्स बिकॉज ऑफ नथिंग एल्स बट द फैक्ट दैट द शो गिव्स अस होप। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव शो विद पॉजिटिव पीपल इन इट and I'm so glad and I'm sure we're going to meet again for a 20 year party and I'm hope and I'm sure that I will be there then, so thank you. It feels amazing, aap kahin bhi bahar jao log aapko matlab mujhe Divyani naam se pukarte hain, I'm sure Naira ko Naira bulate hain aur log possessive hai show ke bare mein aur wo apni zindagi ka ek hissa hai show unke, 9:30 baje se 10 baje tak jab wo dekhte hain to उनके लिए उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं हम सब, एक फैमिली मेंबर की तरह है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, जब बाहर भी जाते हैं हम तो इतने लोग मिलते हैं जो बहुत ही जेन्युइनली हमारे शो को फॉलो करते हैं, देखते हैं, फील करते हैं एंड इट फील्स अमेजिंग। नहीं, हिना खान ऑब्वियसली अक्षरा वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द शो, तो पर सच कहूँ तो हमें ऐसा नहीं लगा था कि शो बंद हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा। हाँ, ऑब्वियसली एक कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अब इस शो में नहीं रहेगा, बट आई एम श्योर सब ने मिल के इतनी मेहनत की है, राइटर्स ने, क्रिएटिव्स ने, कि अब हम देख रहे हैं उसके बाद भी 2.5 साल हो गए और आज भी शो नंबर 1 है स्टार पे एंड इट्स डूइंग सो वेल। तो ऑब्वियसली कैरेक्टर जाने का दुख तो हर कैरेक्टर जाने का दुख डेफिनेटली होता है एंड वी मिस अक्षरा एज अ कैरेक्टर एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू हिना खान, बट वी आर वेरी ओके एंड हैप्पी एंड होपफुली विल कीप रॉकिंग एज ऑलवेज। डिस्क्राइब करने जाऊँगा तो 10 साल और लग जाएंगे, तो एक बहुत खूबसूरत जर्नी है। 10 साल ही हमने जब शो में काम करना शुरू करा तो आई थिंक मोर देन 10.5 ईयर्स हो गए, 10.5 साल हो गए जब पहली बार स्टार प्लस से मुलाकात हुई, इस कॉन्सेप्ट की बात हुई, मगर ऐसा लगता है जैसे ये जर्नी कल ही स्टार्ट हुई है क्योंकि इतने अच्छे लोग जुड़े इस जर्नी के अंदर। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब फर्स्ट डे शूटिंग की थी तो माई डॉटर ऋषिका वॉज दिस मच, और आज 10 साल के बाद शी इज़ टॉलर देन मी, तो ये जर्नी ऐसी ही रहेगी एंड थैंक यू सो मच। ख्याल से नाच गाना खूबसूरत कॉस्ट्यूम लुक तो होता ही, हर शो में होता है, मगर खूबसूरत किरदार दिखना बहुत ज़रूरी होता है और उससे ज़रूरी होता है कि खूबसूरत लोग काम करें। ये शो बना है अच्छे लोगों की वजह से,
जिन्होंने शो का साथ दिया और जिन्होंने साथ नहीं दिया वो शो में नहीं है, मगर हमारी जर्नी बनती रहेगी और अच्छे लोग आएंगे और कारोबार बढ़ता रहेगा। समथिंग आई स्टिल कांट बिलीव, लाइक अभी जब आप बोलते हो तभी पता चलता है, लेकिन हाँ बचपन से आई हैव बीन वॉचिंग एंड लाइक यू नो गोइंग ऑन द सेट एंड लुकिंग एट द पीपल, इट्स रियली नाइस। आई रिमेम्बर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इशिका हैड कम ऑन द सेट और एक होली का गाना हो रहा था एंड शी टुक पार्ट इन दैट होली सॉन्ग, सो इट्स क्यूट, आई मीन नो एज अ किड शी वॉज देयर एंड नाउ वी आर सीइंग दिस जर्नी टुगेदर। टी आर पी अच्छा है जब आती तो सबको खुशी होती है, मगर मोर देन द टी आर पी ऑलवेज फील ये शो बहुत इज्जत से बन रहा है और जो वैल्यूज ट्रेडिशंस और जो हम टॉपिक्स टच करते हैं इसमें कोई ज़्यादा ओवर द टॉप गिमिक्स नहीं होते, रिश्ते बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो नॉट ओनली इंडिया में इंटरनेशनली द शो इज़ नोन फॉर इट्स वैल्यू कल्चर, ये बहुत ज़रूरी है जो शो में दिखाया जाए। Oh, it feels great, and we are so thankful to Staplers, to Rajan sir, and to everyone first of all for casting us, and it feels great, yeah. It's such a great show, and to work with such a beautiful team, it's amazing. तो ऐसी बहुत सारी memories हैं. I remember from our first outdoor to Rishikesh, we started with Rishikesh and. उस दौरान मेरा बर्थडे था ऋषिकेश में, हमारा फर्स्ट शूट जो था वो दैट वाज ऑन 13th एंड 18th वाज माय बर्थडे, सो हमने आई रिमेंबर ऋषिकेश घाट पे हमने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था एंड सबको मैं अपनी भैया के होटल में ले गई थी, हम सब ने पार्टी की थी, हम सबने बहुत मज़ा किया था। तो ऐसे हर साल हम बहुत मज़े करते हैं। दिस इज वी कार्तिक नायरा शिवांगी मोहसिन, वी आर गोइंग टू कंप्लीट 3 years इन ये रिश्ता। ऑब्वियसली हमारा प्यार, आप सबका प्यार, एंड जो चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि हमारा शो वो काफ़ी रियल है, बहुत ही रियलिस्टिक कहानी है। आई थिंक हर कोई कैरेक्टर, हर कोई इंसान, आप हर कैरेक्टर से रिलेट कर सकते हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो पापा बेटी हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, आप उनसे रिलेट कर सकते हो। आई थिंक ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, काफ़ी रियलिस्टिक है हमारा शो, आई थिंक दिस इज़ क्वालिटी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, फैंस का सपोर्ट हमें डे वन से मिला है, जो चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि हमें नहीं पता था लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि एक शो जो इतने सालों से चल रहा था उसमें इवन 2 नए एंट्रीज आए हैं और हमें बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन ऑडियंस ने हमें इतना जल्दी एक्सेप्ट किया, आई थिंक वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। आप अपने ड्रेस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे? It's a normal body hugging red dress with red boots. It's all red, and yeah, it's very comfortable. I'm here to enjoy, so I wanted it to be like really comfortable. 10 साल पूरे हो चुके हैं ये रिश्ता को, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है, एक डेकेड है हम लोगों की लाइफ में, और साथ में हमारी शादी को भी 10 साल पूरे हो चुके हैं क्योंकि ये रिश्ता से ही सब शुरुआत हुई थी। सो इट इज़ डेफिनेटली अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। 10 साल को 365 days से मल्टीप्लाई कर दो आप, उतनी यादें हैं, तो हाउ कैन वी यू टेल यू अबाउट 3650 मेमोरीज। एवरी डे शूटिंग फॉर ये रिश्ता हैज़ बीन अ मेमोरी, एक यादगार पल रहा है, और हमारी पूरी जर्नी जो ये रिश्ता की है वो एक अलग एक्सपीरियंस है जो आई डोंट थिंक सो वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट्स बीन वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल, एंड आई विश इट जस्ट कंटिन्यूस। और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, इसे मतलब बहुत ही लकी हैं हम लोग जो इस एक्सपीरियंस का एक हिस्सा बन सके हैं। एग्जैक्टली जेनरेशन्स आगे बढ़ती गई, सीरियल आगे बढ़ता गया, सीरियल में सबकी उम्र बढ़ती गई, हर चीज़ बढ़ती गई है आगे, तो एक जर्नी रही है अगेन अ ब्यूटिफुल जर्नी। और डे वन से अभी तक के जो भी आया, जो डे वन में मुझे प्यार और वॉर्म्थ मिली थी, वही अभी जो न्यू जेनरेशन है उनसे भी मिली। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि रिश्ता 10 साल से इतने अच्छे से कर रहा है आप लोगों के प्यार की वजह से, एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, सो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। बहुत ही मुश्किल है, और यूनिटी, प्यार और एक टीम वर्क के अलावा ये और कोई कर नहीं सकता, और सबसे ज़्यादा टीम वर्क इसी टीम में है, इसी वजह से ये शो इतना चला है, और शो में बहुत प्यार है।